तो चलो करते हैं शुरू। आज हम लोग बात करेंगे मोशन इन अ प्लेन की। मोशन इन अ प्लेन का मतलब यह है कि एक 2D डायमेंशन में आपका मोशन होगा। अभी तक आप जितने भी मोशन देख रहे थे वो 1D डायमेंशन के देख रहे थे, क्योंकि आपने जो फॉर्मूले लगाए थे वो लगाए थे V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहला फॉर्मूला आपने अभी तक ये देखा था। दूसरा ये है जो आपका UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मैं थोड़ा रिवाइज कर दे रहा हूँ, है ना, और सभी को आते भी हैं ये फॉर्मूले, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तीसरा फॉर्मूला है आपके पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, है ना, एस इज द डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर भी एस डिस्प्लेसमेंट ही है। तो अगर आप लीनियरली मूव कर रहे हैं, मतलब अगर आप एक स्ट्रेट लाइन में एक रोड पर मूव कर रहे हैं, रोड पर चल रहे हैं किसी एक्सिलरेशन से, तब ये फॉर्मूलाज लगेंगे। या फिर अगर आप अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं तब आप यहाँ पे एक ही जगह पे जी लगा देंगे, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बस इतना अंतर आता है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं प्लेन की। प्लेन जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। प्लेन हमेशा 2 डायमेंशनल होता है, कुछ इस तरह से, कुछ एक्स में मोशन होता है और कुछ वाई में मोशन हो रहा होता है। तो इस तरह से हमारा जो प्लेन होता है वो 2 डायमेंशन होता है। अगर मैं कहूं कि, या मैं इसको अगर नंबर लाइन से डिवाइड कर दूं एक्स एक्सिस को, 1 2 3 4 5, और ये हो गया यहाँ पर इस तरीके 1 2 3 4 यहाँ पे। अब मैं कहूँ 3, 2 कहाँ पर होगा, तो 3 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। तो मतलब हम दो चीजों की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एक एक्स एक्सिस की और दूसरी वाई एक्सिस की। ये एक्स लिखा जाता है हमेशा पहले, दूसरा वाई लिखा जाता है, राइट। हम 2 डायमेंशन की प्लेन की बात कर रहे हैं। अब 2 डायमेंशन में लेट से अगर आपने कोई चीज ऊपर फेंकी और नीचे आ गए, तो ये स्ट्रेट लाइन में हम लोग कंसिडर करते हैं इसको। अब जब मैंने इसको ऊपर ना फेंक के मैंने कुछ इस तरह से थ्रो किया है, मैं जब इसको थ्रो करूंगा तो कुछ इसका जो मोशन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, है ना, कुछ इस तरीके का मोशन हो जाएगा। इसको 2D प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो अगर मैं यहां पर अगर इसको ये थ्रो किया है और यहीं पर जहां से थ्रो किया गया था, मैं वहीं से ही आपका जो है ओरिजिन मान के कुछ यू वेलोसिटी से इसको मैंने थ्रो किया था। मैंने जब किसी चीज को फेंकूंगा तो कुछ वेलोसिटी से फेंकूंगा ना, तो मैंने उसकी जो वेलोसिटी इनिशियल वाली मानी वो मैंने यू मान ली। मैंने इसको ऊपर नहीं फेंका है, मैंने इसको ऐसे फेंका है, मतलब ये कोई एक्स और वाई दोनों में चेंज होगा, एक्स और वाई दोनों में बढ़ेगा। मतलब अगर इधर बढ़ रहा है ये, तो ऑफकोर्स ऊपर भी गया है। और जितने भी हम लोग, आपको पता है मैंने अभी तक आपको बहुत हमेशा से बताया है, हम हमेशा सिर्फ 2 ही एक्सिस कंसिडर करेंगे, एक्स और वाई। और जब मोशन को देखेंगे, जब ट्रैक करेंगे उस मोशन को भी, हम लोग इन्हीं 2 एक्सिस पे ट्रैक करेंगे इंडिविजुअल, क्योंकि हमारे पास पता, हमें पता है कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो सिर्फ 1 डायमेंशन की है। तो क्या करा जाए 1 डायमेंशन, क्योंकि वेलोसिटी जो है ना ही वो वाई एक्सिस में है और ना ही एक्स एक्सिस में है। तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले एक एक्स एक्सिस को कंसिडर कर लेते हैं, उसमें जो मोशन हो रहा है, और जो वाई एक्सिस में जो मोशन हो रहा है उससे कंसिडर कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग 2 अलग अलग ट्रैक में अलग अलग बातें करेंगे। तो अगर हम लोग कहेंगे एक्स एक्सिस कॉम्पोनेंट, तो जब हम लोग बात करेंगे एक्स एक्सिस की, तब हम बात करेंगे इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, फाइनल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, ग्रेविटेशन मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन एक्स एक्सिस, वो होता ही नहीं है, वो तो 0 होता है, राइट। तो और अगर हम लोग वाई डायरेक्शन बात करेंगे, मतलब बोले तो ऊपर ऊपर वाले डायरेक्शन की बात करेंगे, तब इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा, बिकॉज अप एंड डाउन मोशन हो रहा है, राइट। और डिस्प्लेसमेंट अप एंड डाउन देखेंगे, और यहां पर हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। तो अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूंगा तो एग्जैक्टली मैं, हाँ, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूलाज हैं बेटा वो सिर्फ एक ही एक्सिस के हैं ना, 1 डायमेंशनल के फॉर्मूलाज हैं। तो हमारे पास जो मोशन में, जो प्लेन हो, प्लेन में जो मोशन हो रहा है वो तो 2 डायमेंशन में हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को इसको इंडिविजुअली तोड़ लेंगे। तो अगर मैं कहूं कि भैया ये जो वेलोसिटी है, जो मैंने यू वेलोसिटी इसको फेंका था, तो उसको मैं पहले एक्स एक्सिस में तोड़ लूंगा, राइट। तो इसका एक्स कॉम्पोनेंट जो हो जाएगा, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे येलो कलर का ले लेता हूँ। यहाँ पर जो है कंपोनेंट जो हो जाएंगे इसके, हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, ये अगर थीटा डिग्री से फेंका गया है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा यू कॉस थीटा, है ना, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा यू साइन थीटा। ये तो पता है, ये सभी को पता है ये बात, है ना। वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा क्या होता है, साइन में होता है, और हॉरिजॉन्टल हमेशा। अब हम जब फॉर्मूलाज लगाएंगे, तीनों फॉर्मूला जब हम लोग लगाएंगे, तो सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए इंडिविजुअल लगाएंगे, एक्स एक्सिस के लिए अलग लगाएंगे। तो पहला हम लोग देखेंगे एक्स डायरेक्शन में, राइट, फिर हम फाइनली हम लोग वाई डायरेक्शन बाद में देखेंगे। अगर मैं एक्स डायरेक्शन में बात करूं तो मेरे पास इनिशियल कॉम्पोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, यू आ गया मेरे पास, वाई एक्स डायरेक्शन में कितना है, यू कॉस थीटा।
मैं हमेशा जब हॉरिजॉन्टल की बात करूंगा, जब मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करूंगा तो मैं यू की जगह पे यू कॉस थीटा लगाऊंगा, और जब मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो एक्सेलरेशन यहाँ पर जी नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में हम लोग जी नहीं कंसिडर करते हैं, ए कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में मोशन हम लोग जी नहीं लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर ये जो ए होगा वो जीरो हो जाएगा, राइट, जी नहीं होगा, क्योंकि जी हमेशा अप एंड डाउन मोशन में आ रहा होता है, राइट। ये देखो यहाँ पे थोड़ा कैच है, इसको याद रखना है आपको, हॉरिजॉन्टल जब मोशन होता है तो वहां पर जी हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन प्लेन में जो मोशन हो रहा है वो अप एंड डाउन मोशन हो रहा है। अगर आप यहां से ध्यान से देखें इसको, अगर आप यहां खड़े होकर देखें इस चीज को, आपकी कुछ यहां पर आंख है इस तरीके से, यहां पर आप देख रहे हैं, अगर आप इस तरीके से देखेंगे इस चीज को तो आपको दिखेगा कि भाई यहां पर क्या हो रहा है, ये आपकी, अरे आग बड़ी बुरी बन गई फिलहाल, ये मैं दूसरी बना लेता हूं, ये बहुत बुरी आग बन गई फिलहाल। आप ये समझिए कि आप यहां खड़े होकर देख रहे हैं इस चीज को, आप यहां खड़े हुए हैं, ये पेन चेंज कर लेता हूं, अगर आप यहां खड़े हुए हैं और आप इस चीज को देख रहे हैं ध्यान से, तो आपको दिखेगा इस डायरेक्शन में मोशन। अगर आप यहां खड़े हुए हैं और आप नीचे देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप नीचे देख रहे हैं इस चीज को, तो आपको दिखेगा कि इस डायरेक्शन में मोशन। आप ये समझ लीजिए कि आप अगर आप जब वाई डायरेक्शन देखेंगे तो आप यहां खड़े होंगे हमेशा, और जब आप एक्स डायरेक्शन में मोशन देखेंगे तो आप यहां खड़े होंगे हमेशा, राइट, टॉप में खड़े होंगे एक्स डायरेक्शन मोशन देखने के लिए। और जी जो होता है एक्स डायरेक्शन में जीरो होता है, हॉरिजॉन्टल कभी भी जी हम कंसिडर नहीं करते, वर्टिकल कंसिडर करते हैं, इसलिए जो फाइनल वेलोसिटी होगी सो होगी, मतलब हमारे पास इनिशियल, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो हो जाएगा वी एक्स डायरेक्शन में वी कितना है इज इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में यू कितना है, और एक्स डायरेक्शन में ए कितना है, और टी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है इसलिए हम लोग टी को एज इट इज लिख देते हैं। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, यहां पर जो है यू कॉस थीटा आ जाएगा, u cos थीटा, और ये वाला जो टर्म है वो इसकी वजह से जीरो हो गया, तो ये पूरा टर्म जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा, राइट। और वी एक्स जो है आपको क्या आ जाएगा, u cos थीटा, मतलब वी एक्स की जो वैल्यू आ गई वो आ जाएगी u cos थीटा, u cos थीटा। ये हमें एक बहुत इंफॉर्मेशन, बहुत बढ़िया बात बता रहा है, वो ये बता रहा है कि अगर आप जीरो पर हैं, टाइम जीरो पर है, तब भी आपकी जो वेलोसिटी है इनिशियल वो यू कॉस थीटा है। अगर आप टी टाइम के बाद, क्योंकि आपने यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाया वो टी टाइम के बाद वाला लगाया है, टी टाइम के बाद भी इसकी वेलोसिटी अगर वी हो गई है और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी क्या होगा, यू कॉस थीटा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कुछ और होगा, है ना। अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ पर v है, यहाँ पर अगर v होती तो v x जो होता वो v cos थीटा हो जाता, ये बता रहा है। अगर मैं इसी चीज को दूसरा फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं यहाँ पे, दूसरा फॉर्मूला क्या है आपके पास, x मतलब x डायरेक्शन में कितना आपका क्या हुआ है, आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है x डायरेक्शन में, तो अगर मैं ये लगाऊंगा तो sx बराबर क्या हो जाएगा, x डायरेक्शन में वो हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास u cos थीटा, और t हो जाएगा यहां पे क्योंकि वो तो मल्टीप्लाई चल रहा है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि a है नहीं x डायरेक्शन में, तो ये वाला जो पूरा टर्म है वो जीरो हो जाएगा। इसीलिए जब आपका मैं अगर इसको sx बोलूं, sx मतलब डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, मतलब इसी को हम लोग आगे जाकर रेंज बोलते हैं, रेंज के नाम से इसको हम मशहूर करते हैं, और इसको बोलते हैं u cos थीटा t। अगर मुझे t की वैल्यू मिल जाए, अगर मुझे टाइम की वैल्यू मिल जाए, कितना टाइम में वो चीज वहां पे फॉल आउट हुई है, कहां कितनी देर में वहां जाके गिरी है, अगर मुझे टाइम मिल जाए तो मैं यहाँ पे वो टाइम की वैल्यू रखने के बाद मैं अपनी रेंज बता सकता हूँ। रेंज का मतलब जहां से आपने इस चीज को फेंका था वो फाइनली कहां जाके गिरी है हॉरिजॉन्टल वाइज, राइट। तो हम लोग टी हम लोग बाद में देखेंगे। तीसरा फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे लगाऊ, दो फॉर्मूला लगा लिया एक्स डायरेक्शन में, इसी तरीके से मैं तीसरा फॉर्मूला लगाऊ तो हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स यू स्क्वायर एक्स प्लस 2ax और sx, राइट। तो आपको पता है कि ये जो है आपका a तो जीरो है x डायरेक्शन, तो ये वाला पूरा टर्म फिर से जीरो हो जाएगा, तो टेंशन नहीं है इसकी, तो v स्क्वायर इज x इज इक्वल टू u स्क्वायर x, और 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि पावर्स हैं, तो vx इज इक्वल टू हो जाएगा ux। ये आपको दिखता नहीं होगा शायद, है ना, लेकिन आप समझ लीजिए पावर एकदम कट जाएंगे, तो vx बराबर ux, और ये आपको पता लग गया था यहाँ पे vx जो आ रहा है आपका वो भी u cos थीटा आया था,
और जो आपका का इनिशियली जो वेलोसिटी थी आपकी ux, वो भी आपका u cos थीटा है, मतलब vx और ux बराबर होते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होंगे वो बराबर होते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन कभी भी चेंज नहीं होगा, ये आपको प्रूव हो चुका है, राइट। अभी हम लोगों ने सारी चीजें जितने भी फॉर्मूले लगाए तीनों फॉर्मूले वो x डायरेक्शन में लगाए, अब हम लगाते हैं y डायरेक्शन में, और हमें x से कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि हमारे पास तीन ही फॉर्मूले हैं, तीन ही फॉर्मूला को हमें लगाना होता है। चलिए मैं अगर इसका देखता हूं, चलिए अब एक काम करता हूं मैं, ये जो है पेन नेक्स्ट स्लाइड बाद में ले लूंगा, जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो ये है, इनिशियल वेलोसिटी इन अ वर्टिकल डायरेक्शन होगी u sin थीटा, और a जो होगा वो हो जाएगा g, बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे साफ सुथरी भाषा में लिख लेता हूं, जो इनिशियल कंपोनेंट होगा इन x डायरेक्शन, मैं कह देता हूं इनिशियल कंपोनेंट मतलब x डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, राइट। तो y डायरेक्शन हो जाएगा u sin थीटा, और ए वाई क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन होगा जी, अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं तो जी आपको माइनस में लेना होगा, अगर आप इन फेवर ऑफ ग्रेविटी जा रहे हैं टुवर्ड्स द अर्थ आ रहे हैं तब आपको जी पॉजिटिव लेना होता है, राइट। तो मैं कंसिडर कर लेता हूं एक, वो हम लोग बाद की बात देखेंगे, अभी हम लोगों जी लिख लिया है बस, ठीक है, ओके राइट। तो अब हम चलो जी फॉर्मूले लगाते हैं फटाफट फटाफट, यहां पर अगर मैं देखूं y डायरेक्शन में फॉर्मूला लगाऊंगा सारे y डायरेक्शन, vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस टू ए वाई एंड टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये टू नहीं होता यहाँ पे, v बराबर यू प्लस ए टी होता है, तो y डायरेक्शन में a हो गया, राइट। तो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन में क्या आ जाएगी आपके पास, आपके पास y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है आपके पास u sin थीटा, u sin थीटा, थीटा इज द एंगल व्हेन यू थ्रो इट, व्हेन यू प्रोजेक्ट द पार्टिकल इन अ 2D प्लेन, राइट। और y डायरेक्शन में a क्या है, a यहां पर जो हो जाएगा वो g हो जाएगा, अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो पॉजिटिव लगाएंगे, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो निगेटिव लगाएंगे, तो फाइनली आपका यहां पर अगर मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो यहां पर मैं एक डायरेक्शन में देख लेता हूं अभी, तो मैं जी लगा लेता हूं, जी टी हो जाएगा, राइट। तो आपका जो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप जहां से फेंका है आपने वो सिर्फ आपका वाई डायरेक्शन में देखूं तो इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा हो गई, फाइनली मैं ऊपर जा रहा हूं और मैं ऊपर जाकर रुक गया हूं, रुका नहीं हूं मतलब एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जहां मैक्सिमम हाइट होगी, वहां पर जो पार्टिकल होता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए रुक जाता है, जो वहां पर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, वो लोग बाद में देखेंगे, राइट। तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन टी टाइम के बाद वो कुछ ऐसी हो जाएगी, तो आपको पता है वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन अगर मैक्सिमम हाइट पर पहुंचना चाहूं मैं, मैक्सिमम हाइट पर मैंने बोला वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो वहां पर ये वाला टर्म जो होगा बेटा जीरो हो जाता है, कब हो जाता है, बिकॉज क्यों हो जाता है, बिकॉज एट मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा बेटा, मैक्सिमम हाइट पर आपका जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि उस समय पर एक आग चीज को फेंकते हैं फाइनली वो जाके एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर रुक जाती है, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी यहां जीरो हो जाएगी, तो मतलब वी वाई वाला जो टर्म होगा वो जीरो हो जाएगा। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो जी टी इज इक्वल टू आ जाएगा यू साइन थीटा, ये तो समझ में आता ही होगा सबको, है ना, मैं इसको प्लस में ले आया, और टी बराबर हो जाएगा यू साइन थीटा वाई जी, राइट। ये आपका टाइम निकल कर आ गया, मतलब ये वो टाइम है जब ये चीज ऊपर गई होगी अपनी मैक्सिमम हाइट पे, राइट, ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का टाइम है, ओके। अगर ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का टाइम है तो आप एक काम और कर सकते हैं, मैक्सिमम हाइट भी बता सकते हैं, दूसरा वाला फॉर्मूला लगा लीजिए या तीसरा वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, तीसरा अगर मैं दूसरा वाला लगाता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एस इन वाई डायरेक्शन, ओके। अगर मैं तीसरा वाला फॉर्मूला दूसरा वाला लगाता हूं तो हो जाएगा यू वाई टी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आप ऊपर जा रहे हैं तो माइनस का जी लगाएंगे तो हाफ जी टी स्क्वायर, राइट, इस तरीके से लगाते हैं, ओके। और मैंने डायरेक्ट लगा दिया, ए वाई नहीं लिखा वहां पे, डायरेक्ट जी ही लग दिया,
तो यू वाई क्या है आपका, यू साइन थीटा। हम अभी प्रॉब्लम्स को बस एक ओवरऑल जो चीजों को सिर्फ समझ रहे हैं, तीनों फॉर्मूला लगा के क्या क्या चीजें हमें मिल जाती हैं, हम डायरेक्टली चीजों को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम तीनों फॉर्मूलाज को लगा रहे हैं जिससे आपके दिमाग बैठ जाएगा, कुछ किसी कोई भी फॉर्मूला लगाओ मुझे आंसर सेम ही मिलता है। टी, अब टी क्या है भाई, ऊपर जाने तक का टाइम, तो ऊपर जाने तक का टाइम तो बेटा ये है आपके पास, वो हो जाएगा यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। यहां पर जी बाई टू पहले से लिखा हुआ है, आपने लिख दिया, और टी की जो वैल्यू है वो है यू, अब इसका स्क्वायर हो जाएगा ना टी का, तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब यहां पर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर, क्योंकि आपने इस पूरे टी का स्क्वायर करना है, तो इसका भी पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, आप यहां रख देंगे तो हो जाएगा इसको साइन स्क्वायर थीटा जी स्क्वायर। आप यहां पे देखिए जी से ये वाला जी कट जाएगा, मतलब जी स्क्वायर था तो सिर्फ जी ही बचेगा। अब आपको दिख रहा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, यहां पे लिख रहा है यू इंटू यू, यू स्क्वायर हो गया साइन इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी में से आप घटा रहे हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। आप इसको ऐसे समझिए कि आप एक में से आधा घटा रहे हैं। चलिए मैं एक काम करता हूं, एक स्टेप और लिख लेता हूं जिससे आपको वो चीज समझ में आ जाए। साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस हाफ, देखिए ये भी लिखा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। अब आप ये देखिए, ये पूरी एक क्वांटिटी लिखी है यू स्क्वायर साइन थीटा बाई जी, ये भी पूरी क्वांटिटी लिखी है, मतलब एक क्वांटिटी में से आधी क्वांटिटी घटाई जा रही है, तो ऑफकोर्स आपको आधा ही मिलेगा, मतलब वन बाई टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, मतलब इस पूरी क्वांटिटी का आधा हो गया, राइट। तो ये आपके पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट इन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। तो आप इसको एस वाई लिख लीजिए, या आप इसको एक काम करिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए, मतलब यहां पर एच मैक्सिमम लिख सकते हैं, अगर आपकी खुशी के लिए एच मैक्सिमम लिख लीजिए। ये वो हाइट है, ये वो हाइट है जो मैक्सिमम है, इस मैक्सिमम हाइट तक पार्टिकल अगर आप यू वेलोसिटी से छोड़ते हैं ऊपर को, मतलब आपने यू वेलोसिटी को यू वेलोसिटी से किस चीज को फेंका है, तो उस हिसाब से ये पार्टिकल इस हाइट पर मैक्सिमम, इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा और इतने टाइम में पहुंचेगा, राइट। अब मैं एक काम करता हूं, मैं जो है मैं पूरा टाइम निकालने की कोशिश करता हूं, मैं अगर एक काम करता हूं जो पार्टिकल ऊपर गया है वो वापस भी तो नीचे आएगा, मैं इसी फॉर्मूले को फिर से लगाऊंगा। ध्यान से देखिएगा आप, मैं पेन चेंज कर लेता हूं और यहां पे देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है आपके लिए, मैं पेन व्हाइट कलर कर लेता हूं यहां पे। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसी फॉर्मूले को फिर से लगाऊंगा, किस कंस्टेंट के लिए, कंस्टेंट को समझ लीजिए। अब आप ये किसी चीज को फेंका है, फेंकने के बाद वो मैक्सिमम हाइट तक गई है, मैक्सिमम हाइट से फिर अपनी इनिशियल पोजीशन तक आएगी। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो आपका एक डिस्प्लेसमेंट एक एस डायरेक्शन तो दूसरा एस डायरेक्शन, मतलब जिसनी हाइट पर गए तो उतनी हाइट पर वापस भी आओगे, तो डिस्टेंस यहाँ पर टू डैश हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, मैंने आपको बताया था एस यहाँ पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर स्ट्रेट लाइन में कोई चीज मूव कर रही है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या हो गया, जीरो हो जाएगा, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट मैं फिर से इसी क्वेश्चन को लिख रहा हूं यहाँ पर, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई, बोरिंग बोर मत होना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि अब मैं यहाँ पे हाफ अगेन माइनस में ही लगा रहा हूं, ध्यान रखिएगा जी टी स्क्वायर, ये भी यहाँ पर कैच है, इसको समझना होगा, राइट। मतलब माइनस का जो इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है। अब डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब जहां से आपने छोड़ा था वाई डायरेक्शन देख रहे हैं, जहां से छोड़ा था फाइनली वहीं पर आ गए, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया मतलब ये जो चीज हो गई वो जीरो हो गई है, मतलब कंप्लीट राउंड के लिए, मतलब आपने फेंका, फेंकने का वो चीज वहां जाके गिर चुकी है, आप सिर्फ वाई में देख रहे हैं। तो वाई में क्या होगा, इसका अगर यहाँ पे बल्ब लगा के देखेंगे इस प्रोजेक्टाइल मोशन को इस साइड से खड़े होकर, तो देखिएगा वाई डायरेक्शन में कोई चीज ऊपर गई है और वाई डायरेक्शन में कोई चीज नीचे आ गई है, तो मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो चुका है। उस सिचुएशन में हिसाब से मैं यहाँ पे यू वाई जीरो एस वाई जीरो लिख सकता हूँ। यहाँ पर वाई डायरेक्शन में जो आपके पास वेलोसिटी थी वो हो जाएगी यू साइन थीटा इनिशियल वेलोसिटी, और टी आप लगा दीजिए ये वाला, चलिए मैं बाद में लगाता हूं उस चीज को। तो अब टी तो हम निकालेंगे ना फाइनली, तो हम टी क्यों ही लगाएं, टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ओके। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर वाई टू और थाइट, और ये हो जाएगा बराबर
u साइन थीटा इंटू टी, राइट। मैं यहां पर थोड़ा सा लिख लेता हूं, यहां पर थोड़ा सा लिख लेता हूं, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे एक t से एक t मर जाएगा, मतलब एक तो t की जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी जीरो, ये मैथमेटिकल टर्म है, क्योंकि अगर आप इसको इधर को लाएंगे तो माइनस हो जाएगी, एक दो फैक्टर बनेंगे और t बराबर जीरो रख देंगे तो जीरो आ जाएगा। फिलहाल उसकी टेंशन मत लीजिए। अब जी टी वाई टू बचा, अब बचा आपके पास जी टी वाई टू इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ये बचा आपके पास। अब आप t निकालेंगे तो हो जाएगा टू u साइन थीटा वाई जी। ध्यान से देखिए जरा इसको, अगर आप इसको फिर ध्यान से देखेंगे तो जो मैंने टाइम निकाला था थोड़ी देर पहले आपके लिए, वो निकाला था जस्ट ऊपर जाने तक का टाइम, वो निकला था u साइन थीटा वाई जी, और यहां पे क्या निकल रहा है टू यू साइन थीटा वाई जी, मतलब एग्जैक्टली डबल निकल रहा है टाइम, मतलब जितना टाइम ऊपर जाने में लगा है उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगा है, मतलब u sin theta by g ऊपर जाने में टाइम लगा था और u sin theta by g नीचे आने में टाइम लगा है। तो टोटल जो प्रोजेक्टाइल का जो टाइम लगा है, मतलब एक किसी चीज को आपने फेंका है वो एक जगह है दूसरी जगह जहां गई है, वो टाइम 2 u sin theta by g है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम u sin theta by g है, याद कर लीजिए इस चीज को। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन का जो टाइम होगा दुगना होगा आधे से, आधा क्या है u sin theta by g, टोटल है 2 u sin theta by g, दैट्स इट, इतना ही आपको समझना था। अब आपने दो फॉर्मूलाज, आपने एक फॉर्मूला लगाया आधी डिस्टेंस के लिए, मतलब मैक्सिमम हाइट के लिए, और ये आपने फॉर्मूला लगाया, यही सेम फॉर्मूला लगाया है आपने टोटल अप एंड डाउन मोशन के लिए, मतलब यहां से गया था फाइनली यहीं पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो आपको टोटल टाइम मिल गया यहां से। चलिए तीसरे इक्वेशन की तरफ हम चलते हैं। तो मैं काम करता हूं, मैं एक स्लाइड ले लेता हूं, यस एक स्लाइड और ले ली मैंने। तीसरा जो फॉर्मूला है वो है वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस ऑफ टू जी एच, एच बोले तो एस मतलब वो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है आपका। तो ये बताइए आप फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जी क्या है और एस क्या है, इसके कोई लगा, क्योंकि हम दोनों सब चीजें हमें पता लग चुकी है, राइट। आप यहां से सिर्फ एक चीज और बता सकते हैं कि जब वो टकराई थी ना, जब वो वापस दूसरा जब टकराएगी तो ये वो वेलोसिटी निकलेगी y डायरेक्शन में, अगर आप ऊपर से नीचे छोड़ेंगे तो ऊपर से जब नीचे छोड़ेंगे तब यहां पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, राइट। इनिशियल वेलोसिटी मतलब ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, अगर आप ऊपर से नीचे छोड़ रहे हैं नीचे से ऊपर छोड़ रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो उस समय में इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए वो खास इक्वेशन यहाँ पे कुछ बची नहीं होगी, हमने हर चीज यहाँ पे निकाल ली और हमें पता है, इसलिए हम इस चीज का कोई खास इस्तेमाल बचा नहीं है। इसका हम लोग इस इक्वेशन का हम लोग तब ज्यादा करते हैं जब हमें या तो ऊपर से नीचे जाना हो या नीचे से ऊपर जाना हो, राइट। अगर सेगमेंट वाइज हम जब देखेंगे तो हम इस फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे। तो आपने अभी तक क्या सीखा, तो आपने सीखा देखिए आपने देखा कि टोटल जो टाइम एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो लगा है प्रोजेक्टाइल मोशन में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो टाइम लगा है वो कितना आया बेटा, वो आया है t इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा वाई जी, ये निकल कर आया। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था जो रेंज निकल कर आई थी, रेंज मतलब जो आपका s x निकल कर आया था वो आया था आपके पास u cos थीटा y, u cos थीटा थीटा है बेटा ये, आई एम सॉरी, चलो मैं लिख लेता हूं फिर से, गंदा लगता है वरना ये u cos थीटा ओहो इंटू टी, टी मुझे पता लग जाएगा तो मैं बता दूंगा। तो टी मुझे पता है टोटल प्रोजेक्टाइल मोशन का जो टाइम निकला है वो निकला है 2 u sin थीटा by g, मैं इसको यहां पे रख देता हूं तो ये हो जाएगा u cos थीटा इंटू टू यू साइन थीटा वाई जी, राइट। तो यहां पर अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा, तो ये हो जाएगा टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा वाई जी, ओके आपको ये दिख जाएगा। तो आप अगर आप ध्यान से देखें इस चीज को, मैं यहां पे एक पार्टीशन बना लेता हूं छोटा सा, तो आपको दिखेगा जो आपकी रेंज आ रही है वो आ जाएगी टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन टू थीटा, तो यहां पे लिख देंगे यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी, राइट। क्या निकल कर आया आपके पास,
u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g, ये वो रेंज है जहां पर ये जाके फाइनली गिरेगा, मतलब ये जो लंबाई है ना यहां से यहां तक की वो लंबाई निकल के आई है रेंज, और यहां से यहां तक की जो आपने हाइट निकाली थी, यहां से यहां तक की मतलब यहां से यहां तक की जो हाइट निकाली है उसको आपने क्या बोला, मैक्सिमम हाइट बोला, मैक्सिमम हाइट बोला। मैक्सिमम हाइट आपका कितने निकल कर आया, यहां पर हम लोग h बोलना है, h मैक्सिमम, राइट, यहां से यहां तक की हाइट को हम लोग h मैक्सिमम बोल रहे हैं। h मैक्सिमम कितने निकल कर आया जरा बताइए, अभी हमारा लास्ट जो है अभी स्लाइड में हमने देखा था वो निकल कर आया था, जरा देखिए, देखिए h मैक्सिमम हमने कहां निकाला है, वो ये निकाल लिया है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, तो आप h मैक्सिमम लगा देंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। अगर आप इन फॉर्मूलाज को याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं, वैसे कोई खास इतनी इंपॉर्टेंस इन फॉर्मूलाज की नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यूज दे रखी है और आपने उसने क्या बोला आपको एक एक आपको सीधा सीधा एंगल दे दिया उसने और इनिशियल वेलोसिटी दे दी, और जी आपको पता होता है वो सीधा आपसे रेंज पूछ लेगा, तब आप हो सकता है आपको याद रखने की जरूरत पड़ जाए, वैसे कोई खास इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं। आपको अगर ये बताया कि टोटल टाइम, ये आप मैं कहूंगा कि आप ये टाइम याद रख लीजिए, जो टोटल टाइम लगता है प्रोजेक्टाइल मोशन में वो 2u sin थीटा बाय g लगता है, और आधा मोशन जो हुआ है मतलब मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का जो टाइम लगा है वो लगा है u sin थीटा बाय g। मैं अगर यहां पर देखिए, और एक चीज यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप समझ लीजिए, सबसे पहले ही आपको डिस्कस की गई थी वो चीज, वो ये कि अरे भैया आ जाओ, क्या है ये, अरे आ जाओ भाई, हाँ चलो, तो बेटा एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, u cos थीटा यहां पर भी है, वही u cos थीटा यहां पर भी है, वही u cos थीटा यहां पर भी है, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने क्या लगाया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है वेलोसिटी का, और जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती है वहां पे एक्सेलरेशन नहीं होता है, इसलिए हमने स्पीड इनटू टाइम लगाया है, और इस यहां पर पहुंचकर भी सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वो होगा यू कॉस थीटा, दैट्स इट, और यहां पर वर्टिकल जो कॉम्पोनेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट यहां पर जीरो हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पर, राइट, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम यहां पर होगा, फिर हल्के 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 हर पॉइंट पे वो चीज फाइनली जाके जीरो हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो है वर्टिकल कंपोनेंट इसके आगे जाने के बाद फिर यहां से इधर को हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल ऐसे ही चलता रहेगा हर बार में, हॉरिजॉन्टल बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा थ्रू आउट द जर्नी आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, राइट, वो आपने देख लिया था शुरू में जब मैंने आपको बताया था वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स निकल कर आया, मतलब वो जो है किसी भी हालात में किसी भी टाइम पर जो है वो आपका वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ए जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वो जीरो है, हॉरिजॉन्टल हम जी हम लोग अप एंड डाउन मोशन में लगाते हैं, राइट, ये आपकी टोटल जर्नी थी आपकी। आपके पास जो मैं आपको अगर रिकमेंड करूंगा वो ये करूंगा, आप ज्यादा फॉर्मूला इसके याद मत कीजिए, लेकिन आपको अगर याद करने का लिखने का तरीका और चीजों को सॉल्व करने का तरीका आता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, अगर आपको याद ही करना है तो आप टाइम की ये जो टाइम की जो वैल्यू है 2u sin थीटा बाय g आप इसको याद कर सकते हैं, दैट्स इट, और फाइनल चीज तो आपको पता ही है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, बस ये बात दिमाग में रखिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं यहां पर पेन चेंज कर लेता हूं। चलिए आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है, अ फुटबॉल इज किक्ड विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, इतने मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से किक करा गया है फुटबॉल को एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, राइट, अगर आपने किसी फुटबॉल को फेंका है मतलब किसी वेलोसिटी से, वो आपकी जो वेलोसिटी है वो है आपके पास 20 मीटर पर सेकंड, मैं बार बार यूनिट नहीं लिखूंगा बहुत गंदा लगता है ये, और जो आपका हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है वो है आपका कितना, वो है आपका 45 डिग्री, राइट, वो बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू स्ट्राइक द ग्राउंड, कितना टाइम लगेगा बॉल को ग्राउंड तक पहुंचने में, तो आपको पता है टाइम कितना लगता है,
टू यू साइन थीटा, अभी तो नया नया अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है, टू यू साइन थीटा बाई जी। अगर आप भूल भी जाए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको इसका पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है, आपको पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है, वो निकल जाएगा आपके पास u cos थीटा, u बोले तो 20 cos थीटा और 20 cos 45 हो जाएगा, थीटा इज दी 45। और यहां पर अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 cos 45 की वैल्यू होती है 1 by root 2 और ये हो जाएगा ये 2 into 10 और root 2 into 10 तो हो जाएगा 10 root 2 राइट, 10 रूट टू हो जाएगा ये। और आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है वेलोसिटी का मतलब एक्सीलरेशन जीरो होगा, तो मतलब वहां पर हम लोग लगाएंगे डिस्टेंस मतलब रेंज, यहां से यहां तक की दूरी मतलब इसको रेंज बोलने अपन लोग, तो रेंज बराबर हो जाएगा यू मतलब ये वेलोसिटी हो गई आपकी, कितनी आई है वेलोसिटी वो आ गई आपके पास 10 रूट टू, ये वेलोसिटी आ गई हॉरिजॉन्टल। टाइम और टाइम कितना लगा है, टाइम जो है आपके पास 2 यू साइन थीटा बाय जी, तो आप पहले टाइम यहां से निकाल लीजिए, टाइम कितना लगेगा यहां से, टाइम यहां पे लगेगा 2 इंटू यू, यू कितना है आपके पास, यू है आपके पास 20, साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई रूट टू और फाइनली डिवाइड बाय 10, जी की वैल्यू 10 ले लेता हूं मैं यहां से और ये हो जाएगा 2 और ये 2 2 4 हो गया, मतलब ये हो गया 2 रूट टू, ये जो वैल्यू आ रही है आपके पास वो आ जाएगी, ये रूट टू इंटू रूट टू में कन्वर्ट होगा, रूट टू से रूट टू कट जाएगा और फाइनली यहाँ पे लिख सकते हैं 2 रूट टू। ओके, आप वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप मैंने क्या करा है, इस रूट टू को रूट टू इंटू रूट टू लिख लिया और रूट टू से रूट टू मार दिया तो सिर्फ रूट टू बचा और 2 रूट टू यहाँ लिख दिया, फाइन। तो ये वैल्यू आ गया आपका 2 रूट टू, टाइम आपके पास आ गया और फाइनली ये हो गया आपके पास 20 इंटू 2 और ये हो जाएगा आपके पास 40। 40 सब कुछ किस में दे रखा, मीटर पर सेकंड में दे रखा, तो ये आपके पास हो जाएगा मीटर। तो रेंज आपको आपके पास आ गई 40 मीटर। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करते तो रेंज का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो क्या होता है जरा बताइए, ये हो जाता है आपके पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ओ 2 आएगा यहाँ पे, साइन 2 थीटा वाई जी राइट। तो साइन जो 2 थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, 45 है तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो वो तो टेंशन ही नहीं है, इस पूरे की वैल्यू साइन 90 हो जाएगी क्योंकि दुगना करेंगे एंगल का, तो ये 1 हो जाएगा। और यू स्क्वायर कितना है आपके पास, यू है 20, तो हो जाएगा 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20, आप ऐसे लिख सकते हैं इजिली। और जी आपका कितना है, इससे आप काट दीजिए और ये कितना आ गया आपके पास, 40 आ जाएगा फिर राइट। देखिए आपका 40 जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पर भी आ रहा था, यहाँ पर भी आ जाएगा। ओके, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, ज्यादा इजी रहता है। अगर आप फॉर्मूला आपको याद नहीं है इसलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि कई बार क्या होता है फॉर्मूला हम भूल जाते हैं, ये वाले फॉर्मूला अक्सर लोग भूल जाते हैं, तो आप फिर से रिवाइज कर लीजिए। जो रेंज का फॉर्मूला होगा वो यू स्क्वायर साइन थीटा बाय जी होगा और हाइट का जो होगा वो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, बस ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आपके पास दूसरी है मैक्सिमम हाइट निकालना है, चलिए मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो मैक्सिमम हाइट का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वाई 2g राइट। चलिए यहां पर क्या हो जाएगा, यू की जो वैल्यू है आपके पास 20 है, मतलब 400 हो गई ये चीज, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 बाई रूट टू और 1 बाई रूट टू की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 बाई टू आ जाएगी और 2 पहले से लिखा बताओ, जी की वैल्यू यहां पर 10 हो जाएगी, यहां से आप काट दीजिए और ये हो जाएगा 4 और ये फाइनली क्या आएगा 10, मतलब जो मैक्सिमम हाइट आपके पास वो कितनी आ गई 10 मीटर की आ गई, 10 मीटर इज दी मैक्सिमम हाइट। तीसरी चीज पूछिए हाउ फार अवे, ओके मैंने क्या निकाल दिया, फाइंड द टाइम टेकन, टाइम टेकन तो आपको पता ही ना, तो टाइम टेकन तो यहां से आपने यही हो जाएगा, तो 2 यू साइन थीटा बाय जी, आपको टाइम टेकन तो पता लग गया ना, ये तो 2 रूट 2 आ गया, पहला वाला ये यही आंसर हो गया था, दूसरा वाला ये हो जाएगा बी वाला और सी वाला जो है सॉरी हाउ फार, तो मतलब ये जो है ये सी वाला आंसर निकल कर आ गया, मैंने डायरेक्ट यहाँ निकाल दिया पहले, मुझे लगा वहां पे पहले रेंज पूछी गई थी, ये सी वाला है और ये आपके पास जो आया आंसर वो बी वाला आया है राइट। तो बहुत इजी था ये, आपको तीनों फॉर्मूला जो आपको अप्लाई करेगा थे वो आपने लगा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे स्लाइड खाली है ये वाली, चलिए यहां पर
पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन दे रखा है, ये कुछ एक्स प्लेन दे रखा है यहाँ पे और ये कुछ वाई, राइट। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो आपको दे रखा है कुछ, ये देखिए ये कुछ एक्सेलरेशन दे रखा है आपको, कितना, ये कुछ आपको 1.5 दे रखा है आपको एक्सेलरेशन। और यहाँ पर जो है 37 डिग्री का एंगल भी दे रखा है, ये देखिए 37 डिग्री का एंगल है ये। मैं यहाँ से पेन जो है थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, पेन मैं रेड कलर का ले लेता हूँ। ये आपको एंगल मिल गया ये वाला, राइट, ये आपको ए दे रखा है। और आपके पास जो द पार्टिकल इज एट द ओरिजिन एंड वेलोसिटी इज दिस, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी होगी। तो अगर मैं इसको पहले यू एक्स निकालूं, यू एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, आपके पास 8 दे रखा है, तो एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 8 cos 37। और यू वाई कितना हो जाएगा, यू वाई भी लगे हाथों निकाल लीजिए, यू हो जाएगा, यू वाई हो जाएगा 8 sin 37, राइट। इस तरह से ए जो है एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में ए जो है आपके पास हो जाएगा 1.5 cos 37, और यहां पर ए वाई डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 1.5 sin 37, दैट्स इट। ओहो बहुत बुरा हो गया, तो sin 37, ओके। चलिए, तो वो कह रहे हैं कि चलो एक काम करते हैं, पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको ये पता नहीं होगा साइन 37 की वैल्यू। आप एक काम करिए, इसको आप इस ट्रायंगल को हमेशा अपने दिमाग में रखिए, ये क्वेश्चन में अक्सर दे रखा होता है ट्रायंगल और बच्चों को ये पता नहीं होता, प्रॉब्लम करते हैं। आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं, आप हमेशा शुरू करिए 3 से, ये 4 होगा और ये 5 होगा, 3 4 5 का एक ट्रायंगल को अज्यूम करिए, जहां से आपने 3 माना है वहां से ये एंगल 53 डिग्री मानिए, हमेशा 53 डिग्री आप इसको याद कर लीजिए आप दिमाग में, और ये एंगल आपका 37 डिग्री हो जाएगा। देख लीजिए ये 90 होगा ना, तो ये जब 53 है तो 37 हो जाएगा, 90 minus 53 37 होता है, राइट। तो अगर मैं कहूं कि अगर ये एंगल है, अगर ये एंगल है तो उसके सामने से परपेंडिकुलर हो जाती है, और ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो अगर मैं कहूं कि cos 37, तो cos का मतलब क्या हो गया, ये तो परपेंडिकुलर, बेस वाई हाइपोटेनस, तो यहां पे cos 37 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास 4/5, राइट। और साइन 37 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 3/5, ओके। बाकी आप जो और कोई वैल्यू की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ओके, बस इतनी वैल्यू आपको पता करनी थी। तो फाइनली पूछ रहे हैं फाइंड द वेलोसिटी द पोजिशन एट डी, आपको टाइम भी दे रखा है, तो आपको वेलोसिटी बतानी है ऑफ द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट t = 4 सेकेंड। तो पहले आप पोजिशन x डायरेक्शन बताइए, फिर पोजिशन आप y डायरेक्शन बताइए, फिर x और y डायरेक्शन में एक पोजिशन मिलेगी, और उसके फाइनल आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिएगा विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस, दैट्स इट। तो पहले हम लोग पोजिशन बताएंगे x डायरेक्शन में, कि x डायरेक्शन, तो जब हम x डायरेक्शन जब पोजिशन बताएंगे तो हम x डायरेक्शन का a लगाएंगे, u लगाएंगे, और x डायरेक्शन का a लगाएंगे, जब y की बात करेंगे तो एक y डायरेक्शन की चीजें लगाएंगे। तो अगर हम लोग पोजिशन निकालना चाहें x डायरेक्शन में, तो हो जाएगी एस एक्स, x डायरेक्शन में पोजीशन वो हो जाएगी ux ut प्लस हाफ a x डायरेक्शन वाला और t स्क्वायर, दैट्स इट। और t हमें पता है 3 4 सेकंड दे रखा है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, x डायरेक्शन में जो आपकी पोजीशन आएगी वो आ जाएगी ux, ux बेटा कितना आया है 8 cos 37, cos 37 के मतलब 4/5, तो 8 cos 37, तो 8 हो गया और cos 37 का मतलब कितना हो गया 4/5, यहां 4/5 रख देंगे, प्लस हाफ x डायरेक्शन में a, और a कितना है x डायरेक्शन में 1.5, और cos 37 का क्या मतलब होता है 4/5, राइट। और t स्क्वायर, t जो है आपको, ये तो t यहां पे मैंने लगाया नहीं ना, t क्या है 4 सेकंड, हर बार में 4 सेकंड होगा, और यहां पर भी आपने 4 सेकंड का स्क्वायर लगा दिया, मतलब 16 लगा दिया, ओके। तो यहां पर देखिए, यहां से अगर मैं इस वाले हिस्से को सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, यू एक्स 4/5 हो गया, ये यहां पे 8 दे रखा था, तो ये हो जाएगा बड़ा अजीब सी वैल्यू आ गई, तो भाई 3 4 5, तो ये 53, ये 37, तो cos 37 हो जाएगा 4/5, यहां तो आना चाहिए था, चलिए ठीक है। तो एक काम करता हूं मैं,
मैं यहाँ पे देखिए 16 जो है यहाँ पर भी है, 4 into 4 और 4 into 4 16 यहाँ पर भी है, तो मैं काम करता हूँ 16 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से इस वाले टर्म से, और इस वाले टर्म से भी 16 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 भी कॉमन आ रहा है, राइट। तो 16 डिवाइडेड बाई 5 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा 8 बटे 5 कॉमन ले लेगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे प्लस बचा क्योंकि यहाँ पर 16 भी जा चुका है और 8 भी जा चुका, बटेगा 5 बचेगा, 16 और 5 जा चुका है, 8 बचा, प्लस यहाँ पे बच जाएगा डेढ़, डेढ़ का मतलब होता है 3/2, और ये पहले से 1/2 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला 1/2 पहले से लिखा हुआ था, यहाँ पे 16/5 जा चुका, तो यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, ये 4 बचा, 2 से ये 2 से 2 4 कट जाएगा, फाइनली 8 3 11 हो गया, तो आपके पास 16 × 11/5 बचा, मतलब ये जो वैल्यू आई है एक्स डायरेक्शन जो पोजीशन आई है वो कितनी आ गई, ये आ गई आपके पास। इस तरीके से आप वाई डायरेक्शन पोजीशन निकाल लेंगे। वाई डायरेक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीधा वाई वाला फॉर्मूला लगा देना है, एस वाई वाला फॉर्मूला लगा देना है आपको, वो हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, फॉर्मूले वही है, अलग फॉर्मूलाज नहीं है, बस आपको बोर्ड नहीं होना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, यू साइन 37, तो यू कितना आपके पास, ये तो पता है ना, यू कितना है, यू तो भैया आपके पास कितना है, यू तो 8 ही है ना, यस 8, यहाँ 8 रख दीजिए फिर से, अरे भैया क्या हो जाता है ये बीच बीच में, हाँ, तो 8 साइन 37 का मतलब क्या हो गया, 3 बाई 5, कैसे हुआ, देखिए मैं ट्रायंगल यहां पर से ड्रॉ कर लेता हूं छोटा सा, ये होता है 3, ये होता है 4 और ये होता है 5, ये होता है 53 और ये होता है 37, 37 का मतलब साइन के लगाना 3/5 हो जाएगा, ठीक है, और इनटू टी, टी कितना है 4 प्लस हाफ, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है 1.5 साइन 37 और साइन 37 का मतलब 3/5 फिर से आ गया, इंटू टी स्क्वायर, टी का मतलब 16 हो गया ये, ओके। तो आप देखेंगे यहां पर 5 नीचे से कॉमन आ रहा है, देखिए एक टर्म ये है पूरा और एक पूरा टर्म ये है, है ना, आप इस तरह से चीजों को सॉल्व करा करिए हमेशा। यहां पर अगर आप देखें तो 3/5 यहां पर भी है और 3/5 यहां पर भी है, ये कॉमन आ गया दोनों में, और दूसरा क्या चीज कॉमन आ रहा है, 8 यहां पर भी है और 8 × 16 यहां पर भी है ना, तो 16 यहां पर भी लिखा हुआ है, कुछ भी लिख लीजिए यहाँ पे, राइट। तो एक काम करता हूँ मैं, कॉमन ले लेता हूँ कुछ चीजें जिससे जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। यहाँ पर मैंने 3/5 तो कॉमन लिया ही लिया है और साथ में 16 कॉमन ले लिया, 16 का मतलब क्या है, 8 × 16 होता है ना 4 है, तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो यहाँ पर फाइनली 2 बचेगा, 2 प्लस यहाँ पर आपने 16 और 3/5 कॉमन ले लिया तो बचेगा 1/2 का मतलब क्या था, 3/2 और इंटू 1/2 मतलब 2 यहाँ पे आ गया, राइट। और ये कितना बचेगा आपके पास, 3/4 इंटू 16 और ये आपके पास हो गया 4, मतलब इसी में यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ, और यहाँ पे 4 आप बना सकते हैं ऊपर नीचे, जब आप 4 ऊपर नीचे बनाएंगे तो ये हो जाएगा 16, 16/4, 16 + 3 हो जाएगा 19 और ये आ गया 4 आपके पास। और फाइनली आप चीजों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये देखिए यहाँ से ये 4 से 4 टाइम्स कट जाएगा और आपको दिखेगा 16 × 3 = 19 हो गया ना, 3 × 4 × 19/5 ये कुछ दिख गया आपके पास, ये कितना हो गया 12 × 19/5, राइट। ये आपके पास जो वैल्यू आई है वो आ जाएगी, ये किसमें आई है, वाई डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन भी आ गया, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन भी आ गया, मतलब आपके पास ये कुछ इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन भी आ गया यहाँ पे इस तरीके से, राइट। देखिए मैं कुछ फिर से दिखाता हूँ, ये एक्स डायरेक्शन में कहीं ना कहीं आर्टिकल यहाँ कहीं आ जाएगा और वाई डायरेक्शन में कुछ ना कुछ यहाँ पर आ जाएगा, है ना, तो पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ कहीं होगा, तो मतलब ये और ये, और फिर फाइनली आपको निकाल लेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वो आपका क्या होगा, आपका क्या हो जाएगा
वेलोसिटी एट अ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी बतानी है तो आपको पहले वेलोसिटी के दोनों के डिस्प्लेसमेंट निकल गया है, दोनों पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट निकल गया आपको। आपसे पूछा जाता है फाइंड द वेलोसिटी एंड अ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, तो वेलोसिटी तो पता लग गई आपको, वेलोसिटी आप कैसे निकाल सकते हैं, वेलोसिटी आपकी जो है एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आएगी थी, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आएगी आपके पास, तो आप उसके लिए तो देखिए दो चीजें निकालनी थी, पोजीशन बतानी है पार्टिकल की, तो पोजीशन तो आप एक्स और वाई से निकाल सकते हैं, एक्स पोजीशन ये हो गई इसकी और वाई पोजीशन वो हो गई, ये आपकी वाई पोजीशन हो गई राइट। तो मतलब यहां के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो पहला कोऑर्डिनेट तो ये और दूसरा कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा आपके पास 19 × 12 करेंगे और जो भी आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 5 करेंगे वो यहां पे लिख देंगे और जो पहला वाला एक्स कोऑर्डिनेट है वो यहां पे, मतलब पोजीशन तो आपकी यहां कहीं आ जाएगी राइट। वो वेलोसिटी पूछी थी ना उससे पहले, तो वेलोसिटी के लिए तो बहुत इजी चीज है, वेलोसिटी के लिए तो टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी है ux + at axt, और वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी हो जाएगी u कितना है भाई 8 है, 8 cos 37, cos 37 का मतलब कितना होगा, चलो मैं लिख देता हूं पहले cos 37 वरना दिक्कत होगी, cos 37 प्लस इंटू टी तो है यू प्लस ए टी, सॉरी हाँ तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू cos 37, और cos 37 को मैं फिर से लिख देता हूं, और टाइम टाइम कितना आपके पास 4 है, चलिए तो यहां पर 8 लिखिए और cos 37 का मतलब कितना होता है, 37 का मतलब 4/5 ओके प्लस यहाँ पे होगा 3/2, मतलब जड़ को आप 3/2 ले सकते हैं और यहाँ पर आप फिर से ले सकते हैं 4/5 और इंटू 4 राइट, ये आप काट दीजिए ये 2 टाइम्स कट जाएगा और यहाँ पे देखिए 4/5 यहाँ पर भी है और 4/5 यहाँ पर भी है, आप 4/5 को कॉमन ले लीजिए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ उसको सॉल्व करके, 4/5 दोनों जगह से कॉमन आ गया, बड़ा गंदा हो गया पर नहीं पेज, एक काम करता हूँ स्लाइड ले लेता हूँ फोर वाई फाइव जो है कितने निकल कर आया प्लस 4/5 दोनों जगह से मैं कॉमन ले लेता हूं और अंदर क्या बचेगा, अंदर यहां बचेगा 4/5 यहां से भी यहां से कॉमन ले लिया तो बचेगा यहां 8, यहां बचेगा 3 और दूनी 6 राइट, ये 8 बचेगा और ये 6 बचेगा, 8 6 14 बचा, मतलब पोजिशन ये वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन में आ गई और वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन में निकालना है इस तरह से, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन में अगर मैं निकालना चाहूं तो कितना निकलेगा, वो निकल जाएगा u इन वाई डायरेक्शन प्लस g a इन वाई डायरेक्शन और टाइम, तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना मतलब क्या है, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन हो जाएगा 8 * sin 37, sin 37 का मतलब क्या है यहां पर वो हो जाएगा 4/5 हाँ 4/5 तो होगा, तो यहां पर मैं कितना लगा देता हूं, यहां पर साइन 37 के वैल्यू हो जाएगी 4/5, यहाँ पे 4/5 नहीं होगा, cos 37 का मतलब होगा 3/5, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 लिखिए ना और यहाँ पर भी 3 होगा, ये ट्रायंगल आपको ये ना साइन 37 का मतलब 3 3 4 5, तो यहाँ पे cos 37 का मतलब हाँ 4/5 ही होगा, सॉरी वहां पे 3/5 होगा, यहाँ पर 4 ही होगा, बड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें 3 4 5, तो यहाँ पे cos 37 मतलब 4/5 हुआ और ये जो है sin 37 3/5 होगा, I'm sorry यहाँ पे 3/5 हो जाएगा, यहाँ पे 3/5 हो जाएगा प्लस a क्या है 1.5 मतलब 3/2 और sin 37, sin 37 का मतलब कितना होगा फिर से 3/5 और t कितना है 4, 3/5 फिर से कॉमन ले लीजिए यहां से तो अंदर बचेगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 2 और इस बार कितना हो जाएगा ये 3/5 यहां पर आ गया कॉमन और अंदर बचेगा 8 6 14 फिर से, ठीक है 3/5 हो गई है ना, तो यहां पर देखिए यहां पर आपके पास एक वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आई है, एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आई है वो कुछ आई आपके पास ये, ये कितना है आपके पास 14 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 तीन 42 42y5 ठीक है। आपको इसका रिजल्टेंट निकालना होगा, तो वो क्या हो जाएगा, इस वाले वेक्टर को यहाँ पे लिख दीजिए तो ये पाइथागोरस बन जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, आपको एक ट्रायंगल मिलेगा सीधा सीधा जिसमें इसकी लंबाई कितनी है 56y5 और इसकी लंबाई कितनी है 42y5 राइट। और इसका आपको ये वैल्यू निकाल देनी है। अब यहां से ये वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अब वैसे भी ये दो वेक्टर का सम ही तो है, रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ वेलोसिटी का रिजल्टेंट यहाँ पर हो जाएगा पहले वाले का स्क्वायर, पहला वाला क्या है 56y5 का स्क्वायर, थोड़ा बड़ा लगा देता हूँ ये यहाँ से अलग है, ये चीज अलग लिख रहा हूँ मैं ठीक है, प्लस 42y5 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। नीचे देखिए 5 का स्क्वायर बनेगा 25, यहाँ पे 5 25 मतलब बाहर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा नीचे से, और ऊपर बनकर 56 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर, तो 56 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर राइट। इसको सॉल्व करने के लिए आप एक काम करिए, ऊपर बन गया ये स्क्वायर रूट, यहां पर एक काम करिए इसको सॉल्व करने के लिए velocity, resultant of the velocity, velocity of, तो काम करिए r भी लिख लीजिए, resultant of velocity लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा लगेगा, resultant of velocity ओके। तो 56 का मतलब क्या हुआ, 7 8 56, 7 और 8 हो गया यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा हुआ है 6 7 42, यहाँ पर 6 का स्क्वायर × 7 का स्क्वायर। अब आप नीचे तो 5 चल ही रहा है भैया है ना, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ पे काम करता हूँ मैं, थोड़ी एक लाइन मार लेता हूँ यहाँ से, ये यहाँ पे चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ ठीक है, ये गायब कर देता हूँ ओके। तो यहाँ पर देखो बेटा 7 स्क्वायर दोनों जगह है, दोनों टर्म में 7 स्क्वायर है, तो 7 स्क्वायर बाहर आ गया, तो अंदर बचेगा 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36 और नीचे बटा है 5 और 36 और 64, ये हो गया 70 70 3 100 100 का बाहर कहते हैं 10, तो 70 × 10 मतलब 70, 7 × 10 मतलब 70/5, मतलब ये रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी आ गया 70/5, और ये कितना आ जाएगा लगभग 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 5 एकम 5 और 2 इधर को 5 चौक का 20 मतलब 14 14 × 70 होता है, तो रिजल्टेंट आपका कितना आ गया, रिजल्टेंट ऑफ द वेलोसिटी आ गया आपके पास कितना 14 मीटर पर सेकंड, मतलब 4 सेकंड के बाद इतनी वेलोसिटी होगी ओके। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था और मतलब लेंथी था, इसलिए क्योंकि आपको दो दो चीजें फाइंड आउट करनी थी। आपने सबसे पहले क्या करा, मैंने यहाँ पे पहले पोजीशन निकाल दी, एक्स डायरेक्शन में पोजीशन और वाई डायरेक्शन पोजीशन, मतलब एस एक्स निकाल लिया और एस वाई निकाल लिया, वो पोजीशन आ गई, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इसी तरीके से वेलोसिटी निकाले तो वेलोसिटी पहले वाले फॉर्म से निकल जाएंगे, v = u + at से, तो मैंने वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन निकाल ली, vx = ux + ax * t, वाई डायरेक्शन में निकाल ली, फिर आज दोनों का जो वेक्टर निकला, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी को आप सीधा सीधा नहीं जोड़ सकते, तो आपको उसका रिजल्टेंट निकालना पड़ा। रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको वही पुराना काम, दोनों का स्क्वायर करा और जोड़ दिया अंडर रूट के अंदर, ये वही करा है रिजल्टेंट, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का है दोनों वेक्टर के बीच में, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए ये वाला टर्म आया नहीं, और फाइनली कितना वैल्यू आ गया रिजल्टेंट ऑफ द वेलोसिटी, वो आ गया 14 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन अच्छा था और इसमें कोई खराबी नहीं थी, लेकिन लेंथी था, लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियरिटी हो चुकी है। तो एक काम करता हूँ, मैं इस वीडियो को भी थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ और अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नेक्स्ट शुरू करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन।